हेलो स्टूडेंट, आज आपकी 12th की फर्स्ट क्लास। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 12th के अंदर हम किस तरीके से सारे पार्ट्स को कवर करेंगे और आपको सारे वीडियो जो किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बारे में मैं आपको अनाउंस भी कर दूंगा और एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो 12th की फर्स्ट क्लास है, 11th आप पास आउट हो गए हैं। कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है बेसिकली, कि जो नोट आपको करना है जब कभी भी आप वीडियो देखते हो तो बेसिकली आपको नोटिंग प्रॉपर करना है साथ के साथ। ये नहीं कि आपके पास अगर वीडियो पड़ा है तो जब मर्जी नोट कर लेंगे। अगर आप जब मर्जी नोट करोगे तो आप लास्ट टाइम पे लगोगे कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको नोटिंग करना है। जो डाउट आपको वीडियो देखते टाइम पे आता है उसी टाइम पे जहां नोट कर रहे हो मार्क करना है, क्योंकि जब मैं लाइव डाउट सेशन लूंगा तब आपको उस चीज को क्वेरी को मुझसे पूछना है। मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है देखा जाए तो। यहाँ पे जहां मैं आप सबों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इस एरिया में तो फिलहाल कोई भी नहीं है जो कि ऑनलाइन करवा रहा है आपके टाइम को देखते हुए। मैं फर्स्ट टाइम में है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो पढ़ाई का। तो देखो, 12th अकाउंटेंसी के अंदर जो है हमारा एग्जाम जो आएगा वो 80 मार्क्स 80 मार्क्स का एग्जाम आता है और आपके तीन बुक्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, तीन बुक। तो इसमें सबसे पहली बात तो तीन बुक है आपके पास और पेपर 80 मार्क्स का आएगा एग्जाम और 20 मार्क्स आपके स्कूल के वाले के ऊपर जो प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 80 मार्क्स में अगर देखा जाए आपके जो टॉपिक्स हैं अगर मैं उसको बांटूं तो आपके चार बुक होने चाहिए बेसिकली, लेकिन है तीन बुक। फर्स्ट बुक इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, इन दोनों को कंबाइन करके, पार्टनरशिप को और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। अब कौन से बुक में से कितने नंबर का एग्जाम में आएगा वो भी देखते हैं। अगर आप पार्टनरशिप को अच्छे से करते हो, जब आप एनपीओ को अच्छे से करोगे तो इसमें आप 10 नंबर इजीली गेट कर लोगे। ये 10 नंबर का आता है एनपीओ आपका। सर 10 मार्क्स कैसे आता है? इज इक्वल टू एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। इस तरीके से ये 10 नंबर का बनेगा हमारा। कंपनी अकाउंट हमारा और रेशियो एनालिसिस, पहले मैं इसकी बात करूं, अगर रेशियो एनालिसिस की या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो 20 नंबर का है ये। जो हमारा बुक है जो सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे नवंबर के टाइम पे, ये 20 नंबर का आएगा। तो आप काउंट करो 20 और 10 कितने हो गए? 30 नंबर। बच्चे कितने? 50। 50 में से आपका देखा जाए तो इन चैप्टर के अपने अलग अलग वेटेज हैं। पहले मैं इसकी बात कर लूं, पहले ये 25 नंबर का आया करता था लेकिन अब ये 20 मार्क्स का आएगा। ये कितने नंबर का आएगा? कंपनी आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, और सॉरी ये 20 नहीं, 15 मार्क्स का आएगा आपका। 15 नंबर का कंपनी है और ये आपका रहेगा 35 मार्क्स का। तो जो ये नंबर मैंने बताया बुक वाइज वेटेज, ये रहेगा हमारा फर्स्ट बुक। जब खरीदोगे तो आपको दो टॉपिक मिलेगा, पार्टनरशिप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी आपका सेकंड बुक होता है और ये आपका थर्ड बुक होगा, ठीक है ना? अभी आप जब स्टडी करोगे तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ तो सेंड करूंगा ही। और किसी के पास पुरानी बुक है तो फ्रेंड के घर पे इजीली जाके ले सकते हो और आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप में मैं बात करूं तो कितने चैप्टर हैं? टोटल 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा गुडविल, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। अगर आप बोलते हो सर इसकी वेटेज भी बता दो, तो देखो इसमें से आपका लगभग लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपका एग्जाम में 2 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी 10 नंबर, लेकिन और में भी रहते हैं, और ये 6 मार्क्स का है। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो देखो 10 और 10 20, और ये 30 35 के आसपास आ जाता है, तो आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। तो पहली बुक जो हमारी है वो है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप वाले बुक के अंदर हमारे कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? हमें 6। एक हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है और ये 10 नंबर का है। कंपनी अकाउंट जो है आपकी वो सेकंड बुक रहेगी, और इस सेकंड बुक के अंदर आपको क्या करना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इश्यू,
और इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन सब के बारे में डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक पे आएंगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इस बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ कि आपका कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट बता पाऊँ। थर्ड बुक है हमारा, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर कंपेरेटिव यानी आपका किस तरीके से कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को, रेशो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे किसी रेशो के फॉर्म में, कैश फ्लो कंपनी के अंदर कितना कैश फ्लो होता है नहीं होता। और एक मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टनरशिप आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस कंपनी आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, कंपनी अकाउंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन ये सब बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है। तो ये जो बाकी की ये चीजें बिजनेस स्टडी में आपने थ्योरी पढ़ा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट जो करने वाले हैं, सबसे आसान चैप्टर आपके बुक का, मैं वही स्टार्ट करता हूँ। पहले फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे क्या है नहीं है। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखे, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा जिसके अंदर पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमारा स्टेटमेंट का है वो रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नोट करिए। इसके बाद मैं पहले फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आऊंगा और किस तरीके से करना है नहीं करना है आपको वो सारे आपको क्वेश्चंस भी और नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड होगा, उसकी चिंता ना करें। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टेंस है कि सर होगा कैसे होगा, कुछ बच्चे जो लाइव क्लास लेते हैं मुझसे उनका क्वेरी ये है कि सर अगर आप करवा दोगे ऑनलाइन तो क्या लाइव क्लास में भी करवाओगे? बिल्कुल, ऑनलाइन तो अभी मैं करवा रहा हूँ, लाइव क्लास जब होगा तब भी मैं दोबारा से करवाऊंगा और कोर्स दिसंबर तक ही खत्म हो पाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसे फटाफट से एक बार नोट करिए और न्यू रजिस्टर होना चाहिए, अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखना है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। जल्दी जल्दी नोट करिए आप। हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम जैसे कि मैंने लिखवाया था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप किस तरीके से किया जाएगा वो हम आज देखेंगे और उसको समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो पार्टनरशिप समझते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो जो पार्टनरशिप है वो एक्ट जो लगता है वो 1932 लगता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर कोई एक्ट जो पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में, एज पर एक्ट जो है 1932, तो इसमें आपके 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू भी होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और थ्योरी आपके बहुत ही कम पूछे जाएंगे, 5 से 6 नंबर का थ्योरी का पार्ट रहेगा आपका इसमें पूरे बुक के अंदर। तो पार्टनरशिप होता क्या है बेसिकली, आप एक स्टोरी समझो, ये क्या लिखा हुआ है इस पे बाद में ध्यान देंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन है, एक पर्सन मैंने बनाया और इसका नाम सपोज करो मैं रखता हूं राम, और एक पर्सन और है इसका नाम सपोज करो मोहन, मोहन। इन दोनों ने एक आइडिया सोचा और सोचा कि हम मिलके काम करते हैं। इन दोनों ने आइडिया सोचा और इन दोनों ने मिलके काम करने का सोचा और मिलकर काम भी जो करेंगे, इनका मोटिव जो था, ऑब्जेक्टिव जो था वो था मेकिंग प्रॉफिट। देखो ऑब्जेक्टिव था इसका मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। राम और मोहन दोनों एक मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं और इन दोनों दोस्त ने सोचा कि हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और इसने बिजनेस किस चीज का स्टार्ट किया, ये लो एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया और मान लेते हैं कि इसने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया, एक इसने बिजनेस स्टार्ट किया क्लॉथ का, ठीक है, एक क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जब इसने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं,
तो इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया क्लॉथ, और इसका मोटिव क्या है? मेकिंग प्रॉफिट। कभी भी इसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि चलो भलाई में करें, इसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो जब रिलेशन इन दोनों का क्या है, एक या एक से अधिक व्यक्ति है, जब एक दो या उससे ज्यादा पर्सन, दो या उससे ज्यादा पर्सन का मेकिंग जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना। मान लेते हैं एक और पार्टनर ले लेते हैं, चलो दो के जगह पे कितने हो सकते हैं, एक और ले लिया मैंने, थ्री। मान लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं हम सोहन। तो राम, मोहन और सोहन, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कहाँ से, बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस सोचा इन्होंने करने के लिए। अब इनके पास पता है बहुत सारी समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्या रहेगी, ध्यान से समझना आप। समस्या ये रहेगी कि जो ये तीनों है, क्या बिजनेस के अंदर तीनों पूंजी लगाएंगे या कोई एक पूंजी लगाएगा? तो आंसर इज कि बिजनेस के अंदर तीनों ही कैपिटल लगाएंगे। ये भी बिजनेस में पूंजी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। कितने कितने अमाउंट का लगाएंगे, कोई फिक्स नहीं है, एज पर इन सबके जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये जो कैपिटल, अब किसी बिजनेस के अंदर कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल कितने पर्सन लगा रहे हैं मिलके यहाँ पे, ए भी लगा रहे हैं, राम भी है और मोहन भी है और सोहन भी है। तो 3 पर्सन का कैपिटल हो गया। पहली बात तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों को पूंजी लगाना होगा। इसके बाद ये प्रॉफिट को, जैसे मान लेते हैं कि बिजनेस में सपोज करो 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल में, तो 90,000 मोहन को मिलेगा, राम को मिलेगा, सोहन को मिलेगा। दो ऑप्शन है, या तो इन्होंने डिसाइड पहले से कर रखा होगा, या प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे डिसाइड करना भूल गए। अगर ये डिसाइड करना भूल गए तो तीनों में बराबर बटेगा। अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कुछ रेशो होगा पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर रेशो में बटेगा, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। क्वेश्चन रेज होता है कि सर इसके अंदर कितने, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, तीनों इस दुकान के अंदर होंगे, जरूरी नहीं है। इसके अंदर क्या है, कोई भी एक पार्टनर अगर काम करेगा ना, सोहन काम करता है तो इसके बिहाफ पे काम कर सकता है। यानी पार्टनर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है आपका म्यूचुअल एजेंट के तरीके से काम करता है, ये सब मिलके काम करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या रेज होता है, सर पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके, रिलेशन उनके बीच में ऐसा हो कि उनका उद्देश्य हो प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमा के आपस में क्या करना, उसको बांट लेना, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। एक क्वेश्चन आया कि सर इसके अंदर कितने पार्टनर और हो सकते हैं, कितने पार्टनर और हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर इज, हमारा जो एक सबसे पहली बात, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर होंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे वो नहीं बताया हुआ, इसमें है ही नहीं। मैक्सिमम पार्टनर के लिए हमें जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, इसके अंदर एक सेक्शन गिवन है 464 सबसेक्शन 1, यहां पे इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो बोला गया है कुछ इस तरीके से कि किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम हो सकते हैं 50, 50 नहीं, अब देखो ध्यान से देखना, बोला गया है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पे ऊपर रूल बनाए कि कितने मैक्सिमम होना चाहिए, और गवर्नमेंट 100 से ज्यादा के लिए रूल नहीं बना सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो कितने पे बनाया हुआ है, 50 पे। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन होता है कि सर हमारा मैक्सिमम पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अभी कितना है, तो आंसर इज 50, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उसको 60 कर दे, 70 कर दे, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर इज 50, हमारे 50 पार्टनर हो सकते हैं। अब डेफिनेशन को देखते हैं थोड़ा सा, हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखते हैं, कहता है पार्टनरशिप जो है हमारा इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, देखो इन सब के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, पर्सन के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। अब यहां पर्सन से मतलब क्या है, पर्सन यहाँ पे हमारा जो है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी मेल फीमेल इस तरीके से हो, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, पर्सन हमारा, तो बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको पर्सन के रूप में देखते हैं।
हु हैव एग्रीड। तो देखो, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, किसी पर्सन के बीच में रिलेशन है। हु हैड एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या होता है? सहमत, सहमत, जो कि सहमत हुए हैं। टू शेयर द प्रॉफिट, क्यों सहमत हुए हैं भाई, क्यों सहमत हुए? ताकि ये शेयर द प्रॉफिट, शेयर का मतलब क्या होता है बताओ? बांटना। ताकि वो क्या कर पाए, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट पाए। किसके प्रॉफिट को? अपने घर के प्रॉफिट को नहीं, बिजनेस में। बिजनेस का मतलब ये हमारा है, इससे जितना भी पैसे की कमाई होगी इस पैसे को आपस में ये बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड का मतलब यहां पे है चलाना। कैरिड का मतलब क्या है यहां पे? चलाना, या तो सब मिलके इस बिजनेस को चलाएंगे, या एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, या इसमें से कोई एक पार्टनर भी चला सकता है और ये सब उसके लिए बराबर के लाइबल रहेंगे। तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि पार्टनरशिप, ये किस सेक्शन में लिखा है? सेक्शन फोर में। बोलता क्या है, पार्टनरशिप आपको ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन, टू एग्रीड, और रिलेशन बिटवीन पर्सन और एग्रीड किस पे हुआ है? किसी आपस में प्रॉफिट को बांटने में, और किसके प्रॉफिट को बांटने में? बिजनेस के। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके चलाएंगे या फिर उसमें से कोई एक इन सब के लिए काम कर सकता है। तो हमारा यहां पे डेफिनेशन किसका था? ये पार्टनरशिप का। अब इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, तो रिजल्ट आंसर इज कि हमारा 50 हो सकता है। क्या ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट है? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी नंबर स्पेसिफाइड है ही नहीं। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, 1936 या 2013, तो आंसर इज 1932। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई पार्टनर किस तरीके से करेंगे। एक और कुछ मैं पॉइंट डिस्कस करूं अगर आपसे, तो देखो जैसे कि मान लो ये जो तीनों पार्टनर हैं, या तो मैंने प्रॉफिट बांटने के लिए बोला कि ये तीनों बराबर बराबर अगर बांटते हैं, अगर नहीं लिखा है तो जैसे कि ये बांट लेंगे आपस में 90,000 को 30,000, 30,000 और 30,000। तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो इन तीनों ने कहीं ना कहीं लिख के एक समझौता किया होगा, एक पर्टिकुलर एक मिलके एक सहमति करी होगी कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कौन पार्टनर कितने पैसे लेके आएगा, किसको क्या क्या मिलना चाहिए। तो जो समझौता किया होगा किसी ना किसी पेपर पे तो किया होगा। तो जिस पेपर पे किया होगा ना इसने, जैसे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR, जैसे कि 2:2:1 लिखा है। इसके बाद मैंने लिखा है कि कौन कितना कैपिटल लाएगा, कब फर्म डिसॉल्व होगा, नेम लिख दिया मैंने कि नेम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तीनों का नाम लिखा, एड्रेस लिख दिया, किस तरीके का बिजनेस होगा, ये सारी बातें मैंने लिखा। तो जब ये किसी पार्टनरशिप, कोई भी पर्सन जब पार्टनरशिप को स्टार्ट करता है एक लिखित रूप में लिख के, तो इसको बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड है। डीड, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जैसे कि मान लो आप हो और आपके आपके फ्रेंड हैं, आप दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में कौन कितना लॉस लेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किस किस का नाम रहेगा, क्या फ्यूचर में हम किसी को ऐड कर सकते हैं या फ्यूचर में किसी को निकाल सकते हैं, या फर्म हमारा 20 दिन के लिए रहेगा या 20 साल के बाद हम बंद कर देंगे, ये सारी चीजें एक जहां पे पेपर में लिखोगे उस पेपर को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो डीड बेसिकली क्या है, जो हम काम करेंगे उस चीज को हम एक जगह लिख लेंगे, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन एक आता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कंटेंट होगा, तो देखो कुछ भी, जो भी आप सोच सकते हो रूल, जो भी रूल बना सकते हो वो कंटेंट होगा, जैसे कि नाम, एड्रेस, इनफैक्ट क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, आपका कब डिसॉल्व होगा, एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता, एनीथिंग, आप जो भी रूल बनाना चाहते हो वो लिख दो और वो सारा का सारा कंटेंट में आता है पार्टनरशिप डीड के। लेकिन अब मैं डीड की बात करूं तो समस्या ये है कि पार्टनरशिप डीड हमारे दो तरीके के हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। इन दोनों में फर्क क्या है? मान लो इन तीनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है और ये सोचते हैं कि हमारे बीच में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकता, तो तीनों ने एक साथ जैसे मिले और एक म्यूचुअल बातें कर ली, यार एक काम करेंगे प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, लिखा नहीं बस सोच लिया, एक काम करना तुम 50,000 लिया ना और रामू तुम 20,000 लिया ना, बस बोल दिया, तो ये भी एक तरीके से एग्रीमेंट करा।
इन्होंने, लेकिन ये कौन सा डीड कहलाएगा? ओरल डीड। लेकिन इस चीज को अगर ये लिख के कर ले तो ये कौन सा डीड कहलाएगा? हमारा रिटन डीड। अब बताओ सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा डीड होगा, ओरल या रिटन? अगर कल के दिन इन तीनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कोर्ट में जाके जब चैलेंज करेंगे तो ओरल डीड काम आएगा या रिटन? तो आंसर इज कि हमारा रिटन डीड काम आएगा वहां पे, क्योंकि रिटन डीड हम कोर्ट में एज ए एविडेंस दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप दो तरीके हो सकते हैं, या तो डीड के हिसाब से बनाया हो या विदाउट डीड के हिसाब से। और जब डीड के हिसाब से बनाया तो वहां भी दो प्रकार के डीड हो सकते हैं, ओरल और रिटन। तो बेसिक एक पहले छोटा सा डेफिनेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, पहले छोटी छोटी कुछ बातें हम देख लें। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि पार्टनरशिप क्या है। तो कहता है कि पार्टनरशिप क्या है हमारा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। तो देखो यहाँ पे पर्सन है ना, इसके बीच में कोई ना कोई तो संबंध है। पर्सन हु हैव एग्रीड, वो एग्री होते हैं शेयर और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर अगर लॉस होगा तो ये आपस में बांटेंगे नहीं क्या? बिल्कुल बांटा जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस हो तब भी बांटा जाएगा, लेकिन इनका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट बांटेंगे हम। कैरीड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब या तो ये सब चलाएंगे इसको तीनों मिलके, मान लेते हैं कि तीन दुकान है और पार्टनरशिप चल रही है, तीनों मिलके चलाएंगे उसको, या फिर उसमें से एक। अब एक चीज और बताऊं, अगर एक पार्टनर इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो पार्टनर जो है हमारा बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता, क्योंकि अगर इस पार्टनर ने लॉस कर दिया या पार्टनरशिप फर्म को लॉस है तो इसका 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 तीनों का सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है बिजनेस में सारा बिजनेस बेचा जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं, सपोज करो एक क्रेडिटर मान लेता हूं मैं, ये मेरा क्रेडिटर है, इसको 20 लाख रुपए देने हैं और पार्टनरशिप का जो टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी बेच करके मेरे पास सिर्फ 8 लाख आए, अभी 12 लाख कम पड़ गए ना इसको देने के लिए। तो हम इसके भी एसेट्स को बेचेंगे, इसके भी एसेट्स को बेचेंगे और इसके भी एसेट्स को, तीनों को एसेट्स को बेचेंगे और उस प्रोपोर्शनेट में रेशियो में बेचा जाएगा इसका, बेच के तब जाके इसको दिया जा सकता है। यानी बिजनेस और पार्टनर अलग नहीं होगा, सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये तीनों मिलके अपना क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। दूसरी बात, अगर मान लो सोहन ने कोई काम किया है तो उसके लिए पर्सनल सोहन लाइबल नहीं होगा, राम और मोहन ये दोनों लाइबल होगा। क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट अगर जो कोई भी बांटे तो उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? ऐसा नहीं है। मान लो आपने अपने सेल्समैन को कहा कि अगर आपने इस बार 5 करोड़ की सेल कर दी तो अपने प्रॉफिट में से हम 10% हिस्सा देंगे, यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% हिस्सा दिया जाएगा, तो उसको भी तो प्रॉफिट दिया जा रहा है, लेकिन वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। पार्टनर वही होगा जिसने कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया हुआ है और एक प्रॉपर डीड बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनर बोला जाएगा। तो सेक्शन 4 का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए, पार्टनर्स क्या है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम या किसी एक के द्वारा। क्या डीड समझ में आए? अभी डीड के ऊपर और डिस्कस करेंगे हम कि डीड क्या होता है। क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या कितने होते हैं? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है हमारा 50। क्या इसे गवर्नमेंट बढ़ा सकता है? बिल्कुल, इसे 100 कर सकता है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गए तो फिर आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप नहीं रहेगा। तो एक बार इसको नोट करिए डेफिनेशन को, फिर इसके बाद हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। ये तो हमारा सिर्फ था पार्टनरशिप का डेफिनेशन, फिर इसके बाद चैप्टर की हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक होगा चैप्टर में और कैसे कैसे सीखेंगे। पार्टनरशिप किस तरीके से चलता है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप दो तरीके से चलाया जा सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखते हैं। नोटिंग प्रॉपर करना है आपने, नोटिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। किस तरीके से चलाया जा सकता है, या तो पार्टनरशिप गवर्न किया जा सकता है, दो तरीके से, कौन कौन सा? या तो पार्टनरशिप बनाया जा सकता है डीड को, विद डीड, डीड बेसिकली क्या होता है ये, अगर मैं डीड की बात करूं तो डीड एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, जैसे हम किसी चीज को करने का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, वैसे ही विद डीड भी हो सकता है और पार्टनरशिप विदाउट डीड भी हो सकता है, विदाउट डीड। अगर विद डीड हुआ
तो दो तरीके का डीड हो सकता है हमारा, है कि नहीं? अभी बताया था दो तरीके का डीड हो सकता है, एक हो सकता है ओरल और एक हो सकता है रिटन। ओरल की बात करें तो मुजवानी, यानी जैसे वर्बली मैंने बोल के आपस में डिस्कस कर लिया, तो उसको कौन सा डीड बोलेंगे? ओरल, जो कि रिटन नहीं होगा, विच इज नॉट रिटन, ओरल का मतलब। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में प्रॉपर एक पेपर पे लिखा होगा। प्रॉपर लिखा होगा पेपर पे, जैसे नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ये भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा ये भी लिख सकते हैं। कोई पार्टनर बोलता है कि मैं ज्यादा काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, उसके ऊपर सैलरी भी लिखा जा सकता है। इसके बाद न्यू पार्टनर कौन होगा फ्यूचर में, वो भी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने लिख ली, एक जैसे नाम में मैंने लिख लिया ए बी सी, एड्रेस में मैंने लिख दिया, एक रहता है शकुरपुर में, एक रहता है पीतमपुरा में, पीतमपुरा में एक रहता है, मान लेते हैं कि सीपी में, इस तरीके से। तो जब हमने लिख के काम किया ना ये, तो इसको कौन सा डीड बोलेंगे? रिटर्न डीड। एक होगा विदाउट डीड, ठीक है? तो समस्या ये आती है सर, अगर विदाउट डीड है तो काम को कैसे करना होगा? विद डीड में तो जो डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। अगर इसने बोला है कि प्रॉफिट हम बांटेंगे बराबर बराबर दोनों, 1:1 के रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हम बांटेंगे 2:1 के रेशियो में, तो इसी हिसाब से बटेगा। लेकिन अगर डीड है नहीं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। जब डीड नहीं होगा तो हमें काम को कैसे करना है? मान लो डीड नहीं बनाया, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था और दोनों पार्टनर आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल थे, डीड नहीं बनाया और दोनों के बीच में एक दिन लड़ाई हो गया, और लड़ाई होने के बाद कोर्ट में चला गया, और ये इसलिए लड़ रहे हैं कि प्रॉफिट मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा, तो डीड नहीं है, तो वहां पे कोर्ट का जो फैसला आया था और जो हमें बेस मानना है, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, यानी 1:1। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स कैपिटल पे नहीं बोल रहा मैं, याद रखना, ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम, अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड में ले रखा है कि पार्टनर्स पे लोन देंगे 12%, तो जी 12% दिया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो फिर भी ये बोले कि मैंने तो बिजनेस को लोन दिया है, क्योंकि बिजनेस का लोन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये बिजनेस है और ये पार्टनर है, सपोज करते हैं ना, पार्टनर ने एक तो कैपिटल लगाया लगाया, उसके बाद इसने पार्टनर ने क्या करा, बिजनेस को लोन भी दे दिया, बिजनेस को लोन चाहिए था बाहर से लेने के बजाय इसने पार्टनर से ले लिया, तो इसको ब्याज मिलेगा ना। अगर डीड में लिखा है कि इसको ब्याज देंगे 10% किसी पार्टनर को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डीड बना ही नहीं, तो गवर्नमेंट के हिसाब से हमें एक स्टैंडर्ड रेट है जो कि बोला गया है कितने परसेंट दिया जाएगा, 6%। और एक बात, अब कुछ मैं केसेस बताता हूं, आप मुझे बताते जाना। मैं बोल रहा हूं डीड नहीं है, मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए और बी कुछ नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं, ये 2 घंटे काम करता है दिन में, ये 1 घंटे काम करता है और ये 16 घंटे काम करता है। सी, डीड है नहीं, सी कहता है कि भाई साहब मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 16 आवर, तो मुझे ना एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, मुझे सैलरी भी दो। अब ये बहुत ज्यादा काम करता है इसके कंपेरेटिवली, और ये सैलरी का डिमांड करता है, तो आप सोच के बताओ मुझे कैसे सैलरी मिलना चाहिए, बताओ मुझे क्या सी को सैलरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत मेहनत कर रहा है, डीड लेकिन है नहीं, तो रूल ये कहता है कि जब डीड नहीं है
तो इसको सैलरी नहीं दिया जाएगा, ये डिमांड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ए और बी दोनों है, बी कहता है कि हाँ इसे सैलरी मिलना चाहिए, ए कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, तो बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? तब भी नहीं मिलेगा इसको सैलरी। लेकिन ए और बी दोनों मिलके कहते हैं कि सैलरी मिलना चाहिए, तब तो मिल ही जाएगा, तब तो लड़ाई नहीं है। झगड़ा कब होगा? जब एक कोई भी पार्टनर उस चीज को करने से मना करेगा, यानी उसके बीच में एक तरीके से देखा जाए तो हस्तक्षेप करेगा, टांग अड़ाएगा कि भाई ये काम मत करो। सी बहुत मेहनत कर रहा है, देखा जाए तो भाई मिलना चाहिए इसे मेहनत का फल, बी बोलता है हाँ भाई दो, ए बोलता है नहीं देना चाहिए, तो इसको सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसे ही सेम मान लेते हैं ए बी, अब बताना जवाब आप सी। ए ने 20 लाख रुपए कैपिटल लगाया, बी ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया और सी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है। अब ए बोलता है भाई देखो मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया है तो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बी ने बोला बिल्कुल सही बात है, तो बोलता है कि मैं प्रॉफिट आज के बाद आधा लूंगा, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। ये कहता है कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए तो मैं आधा लूंगा। बी बोलता है हाँ भाई आपको आधा प्रॉफिट मिलना चाहिए, सी बोलता है कि आपको नहीं मिलना चाहिए। तो अब बताओ प्रॉफिट कैसे बटेगा तीनों में? बताओ जब डीड ना हो तो प्रॉफिट कैसे बांटना इक्वल? तो कुछ भी बोल ले, एक पार्टनर ने डिनाई कर दिया तो प्रॉफिट कैसे बटेगा इसमें? इक्वली बटेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो यानी अगर डीड नहीं है तो पार्टनर अपनी इच्छा से कुछ भी बोलता रहे उसे नहीं मिलने वाला, चाहे वो आपको लगे लॉजिकली भी कि भाई ठीक है भाई मिलना चाहिए, तब भी डीड नहीं है। लेकिन वही चीज डीड में मेंशन होता है कि भाई इसको इतने रेशो मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। और एग्जांपल देखिए आप, मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर है, सी ने बिजनेस को लोन दिया है 10 लाख का, ठीक है, और सी बोलता है मैंने लोन दिया है बिजनेस को और मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12%, मैंने मुसीबत पे बिजनेस का साथ दिया है तो मुझे 12% इंटरेस्ट का हकदार हूं मैं लोन पे। उस केस में क्या होगा? ए और बी बोलते हैं कि ए बी बोलता है कि हाँ भाई तुमने मुसीबत पे मेरा साथ दिया है तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 12% मिलना चाहिए, ए बोलता है नहीं मिलेगा। अब बताओ सी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब इज है कि मिलेगा, लेकिन 12% तो नहीं मिलेगा, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा रूल के हिसाब से कितने परसेंट? 6%। क्योंकि अगर डीड नहीं बनाया और किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो कोई पार्टनर एग्री हो चाहे ना हो तब भी इंटरेस्ट उसे 6% दिया जाएगा। समझ में आया? एक और केस करते हैं, देखो ए बी और सी। बी ने 50 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, ए ने 1 लाख रुपए लगाया है और इसने 10,000 रुपए लगाया, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, कैपिटल तो कैपिटल है। बी क्या कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया है, क्या सही बोल रहा है बी? बताओ, बिल्कुल सही बोल रहा है। और बी बोलता है मुझे अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए मुझे। सी बोलता है बिल्कुल सही बी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, ए मना कर देता है। ए कहता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, डीड बनाए नहीं, तो बताओ अब बी को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है। अगर डीड बना लेता और डीड बनाते टाइम पे लिख देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 20% दिया जाएगा तो हाँ ही इज एलिजिबल फॉर 20%। डीड नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, उसके केसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या हो गए हमारा, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, डीड नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। आपके इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखो कितना आसान है, ये आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ए और बी सी है, आप मुझे बताना, ये मेहनत बहुत ज्यादा करता है, सैलरी ये 2,000 लेता है, ये 3,000 लेता है और ये 4,000 लेता है और ये तीनों एग्री भी है, तो बताओ इन्हें सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जब तीनों ही एग्री हैं तो फिर डीड का क्या काम। अब बात करते हैं, ये जो है ना 18 घंटे काम करता है और ये सबसे ज्यादा सेल्स करता है, सबसे ज्यादा सेल्स करता है। सी जो है 18 घंटे काम करता है और सबसे ज्यादा सेल करता है,
ये दोनों एक एक घंटे काम करते हैं और इनकी ये कुछ सेल ही नहीं करते, कोई भी सेल्स नहीं करते, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। दुकानदारी हुई तो ठीक, नहीं तो चला गया। पूरी मेहनत सी करता है। सी बोलता है, भाई देखो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भी पता है आप 1 घंटा काम करते हो, 20 घंटा, सबसे ज्यादा मैं सेल करता हूं, तो मुझे सेल के ऊपर कमीशन मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। ए बोलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सी, मैं भी सोच रहा था आपको कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन बी बोलता है, ऐसे कैसे कमीशन दे देंगे, हमारे बीच में पहले ऐसे कोई बात ही तय नहीं करी थी, आपको कमीशन नहीं मिलना चाहिए। अब बताइए मुझे कि सी को कमीशन मिलेगा, सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है। आपका मन कह रहा होगा कि इसको कमीशन देना चाहिए, लेकिन आंसर इज इसको कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ केसेस मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हमारा अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, 6%, और अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो 1:1 यानी इक्वल होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस भी हम देख ले। बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, ठीक है, और इंटरेस्ट, और मैं कैपिटल भी बता देता हूं, कैपिटल जो है ए बी और सी 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख है कैपिटल, ए का, बी का और सी का। और ए ने लोन दे रखा है, ए का लोन, यहां पार्टनर्स की लोन की बात करेंगे, अगर इसकी वाइफ लोन दे देगा तो उस पर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ए ने लोन दे रखा है 1 लाख, 1 लाख रुपए ए ने लोन दिया हुआ है और इन्होंने कोई लोन नहीं दिया। अब बताओ मुझे, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, डीड नहीं बनाया, ए ने बिजनेस को लोन दिया, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ, क्या ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर जब डीड नहीं होता तो दो रूल तो हमें याद रखना है, तो पार्टनर्स लोन मिलेगा 6%, बिल्कुल इसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट 1 लाख है, इन तीनों में कैसे बांटा जाएगा, डीड नहीं है तो तीनों में बांटा जाएगा आपका इक्वली। लेकिन पता है प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, हम आगे देखेंगे फॉर्मेट में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, और प्रॉफिट कितना है हमारा 1 लाख, इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना माइनस होगा बताओ 6000, और बचा कितना 94,000 रुपीज। अब ये 94,000 बटेगा ए में, बी में और सी में, 94,000, 94,000 कैसे बटेगा इक्वली, पॉइंट में भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 31,33, 31,33, 31,33, 31,33,34, ये आ जाएगा 31,33, 31,33 और 31,334 आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भाई पार्टनरशिप बनेगा या तो डीड के साथ बनेगा या विदाउट डीड बनेगा। अगर डीड के साथ बनता है तो ओरल डीड होगा या रिटन डीड होगा। ओरल डीड क्या होता है, मुजेवानी किसी चीज को कर लेना, ओरल डीड बोलते हैं। रिटन डीड क्या होता है, सारी चीजें लिख के करेंगे। अगर डीड के साथ है तो पार्टनरशिप कैसे चलेगा, अकॉर्डिंग टू डीड। लेकिन डीड अगर नहीं है तो सबके जो म्यूचुअली एग्रीड होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन कोई पार्टनर फिर भी कुछ चीजें को डिमांड करेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बढ़ा नहीं सकता अगर डीड नहीं है तो। सबका हिस्सा क्या माना जाएगा, बराबर, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा हमारा 6%, ठीक है। चलिए कुछ एक और बात डिस्कस करते हैं। सपोज करो ए बी और सी है, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं ए और बी कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं 2 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं, बिजनेस में नहीं है, सारा का सारा बिजनेस जो संभाल रहा है, बिजनेस कौन संभाल रहा है, सी। इन दिनों सी ने क्या किया, सी ने बिजनेस जब चलाया तो इसने बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव था इसका कपड़े बेचने का, उसके अलावा इसने एक काम किया, इसने कुछ पैसे क्या करें अपने शेयर मार्केट में लगा दिए, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लालच में। कहां से पैसे लगाए, ये अपने घर से पैसे नहीं लाता, ये दुकान के ही पैसे क्या करता है, शेयर मार्केट में लगाता है,
और 2 महीने के अंदर इसको लॉस हो जाता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, अब ये सोचता है कि भाई 5 लाख का लॉस हो गया है। ए और बी को बुलाया जाता है, ए और बी आता है और बी सी बोलता है, यार आप जब चले गए थे तो आपके गैर मौजूदगी में मैंने क्या करा था कि एक सोचा था कि बिजनेस का प्रॉफिट हो और हो नहीं पाया तो लॉस हो गया। तो ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम तीनों को प्रॉफिट बांटते हैं तो लॉस भी बांटते हैं, तो ये 5 लाख का मैंने लॉस कर लिया है, तीनों मिलके बांट लेते हैं। क्या बताओ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस केस में इसके लिए लाइबल कौन होगा? सिर्फ मिस्टर सी, क्योंकि इसने इसके विदाउट कंसर्न के ये दोनों पार्टनर कह सकते हैं कि मुझे तो परमिशन लिया भी नहीं गया और मुझे पता भी नहीं था, तो मैं इस लॉस को शेयर नहीं करूंगा। इसके लिए लाइबल कौन होगा? सिर्फ मिस्टर सी, इसी को लॉस बियर करना पड़ेगा। यानी सिंपली कोई भी पार्टनर अपने बिहाफ पे लॉस कर ले तो कौन बांटेगा? सी। दूसरा केस देखिए, एक और मान लीजिए, ए बी और सी। बी पार्टनर ए और सी अब घूमने के लिए चले गए, इटली चले गए घूमने के लिए मान लो। वैसे अभी तो जाना नहीं चाहिए इनको, लेकिन चले गए इटली, क्या करें, इटली घूमने के लिए चले गए 5 मंथ के लिए। अब बी ने क्या करा? प्रॉफिट कमाया, शेयर मार्केट में पैसे लगा के प्रॉफिट कमा लिया शेयर मार्केट से 20 लाख रुपए का। अब बी बता नहीं रहा किसी को भी। जब ए और सी वापस आए पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो बी बता नहीं रहा कि मैंने कितने प्रॉफिट कमाए हैं। ए और सी को पता चल गया, बी ने बोला हाँ भाई मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, उससे क्या है, वो तो मैंने रिस्क लिया था शेयर मार्केट में, कमाए हैं। ए और सी बोलेंगे अब ये प्रॉफिट तीनों में बंटना चाहिए। अब बताइए क्या ये प्रॉफिट तीनों में बंटना चाहिए, ये सारा का सारा हिस्सा बी का है? इससे पहले वाले केस में लॉस में किसका सारा हिस्सा था? सी का। लेकिन प्रॉफिट में भी बताइए किसका हिस्सा होगा? गलत आपका आंसर है। प्रॉफिट में पता है किसका हिस्सा होगा? तीनों का। इस प्रॉफिट को ए बी और सी तीनों बांटेंगे। यानी अगर लॉस होता है तो वही पर्सनल पार्टनर बियर करेगा जिसने किया है, और प्रॉफिट होगा तो सब मिलके आपस में बांट लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात आपको? कुछ मैं बस बेसिक जो डीड के रूल हैं वो बता रहा हूँ। अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी तो है नहीं अभी, तो बस मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहां तक क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप मुझे जवाब देना, मान लो ए बी और सी, इसका कैपिटल है 1 लाख, इसका भी कैपिटल है 1 लाख, इसका भी कैपिटल है 1 लाख, तीनों का कैपिटल 1 लाख। डीड में लिखा था PSR 3:2:1, यानी कोई रेशियो लिखा हुआ है डीड के अंदर, उस रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटेंगे। इसमें से सी पार्टनर बोलता है भाई ये तो गलत है, डीड में लिखा हुआ है, यानी डीड है, अब डीड में लिखा हुआ है 3:1। सी पार्टनर बोलता है यार मैं इतने दिन से चुप था, जब सबने कैपिटल बराबर लगाया तो प्रॉफिट भी तो बराबर बटना चाहिए। बताओ बी की सी की बात ठीक है नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ प्रॉफिट अब 3:1 में बटेगा? बी भी बोलता है हाँ भाई बराबर बटना चाहिए। ए बोलता है, ए तो बोलता है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बताओ प्रॉफिट बराबर बटेगा या फिर 3:1 के रेशो में ही बढ़ता रहेगा? बताओ, डीड है, आंसर इज 3:1 के रेशो में ही बढ़ता रहेगा। क्यों 3:1 के रेशो में बढ़ता रहेगा? क्योंकि डीड में मेंशन है, डीड में जो भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग रूल चलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं होता और तब ये प्रॉफिट को किसी और रेशो में बांट रहे होते हैं, तब ये बोल सकता था इक्वल बटेगा। विदाउट डीड हमें पता है कि कैसे बटना चाहिए, ये इक्वल बटना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं पूछता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, क्योंकि सेक्शन 464 में क्या था कि गवर्नमेंट 100 तक ला सकता है और गवर्नमेंट लेके कितना आया? सिर्फ 50। किसमें? कंपनीज एक्ट में। तो कितने हो गए हमारे? 50 हो गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार इसको भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया? देखो एक बार मैं आपको पार्टनरशिप डीड दिखाना चाहता हूं। डीड के अंदर अगर देखोगे आप तो
आपको देखो सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, विच ऑफ फर्म पर्पस, कैपिटल कितना कौन देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ये सारी बातें किसमें लिखी होती है, हमारी डीड में कुछ 14-15 बातें हैं, मैं नोट्स दे दूंगा उसमें आप इजीली देख लोगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे आते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे करने के लिए। कर लिया नोट? तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से यही बोलना चाहता था कि जो ये ऑनलाइन का सिस्टम हमने स्टार्ट किया ये ठीक तो है, और ये आप वेबसाइट पे जाके मात्र 10 रुपीज पेड करके, और इसमें आप एक बार में पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस डेट पर डेली इसके अंदर वो चैप्टर अपडेट किया जाएगा, जिससे आपको एक फील आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो क्लास में। अगर मैं सारा का सारा चैप्टर आपको दे भी दूं तो कोई फायदा नहीं, वो तो पड़ा रहेगा। पहला चैप्टर दिया, होमवर्क आप सबको मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजना, मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजते रहना जिससे कि मुझे भी पता चले, और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एजुकेशन का 1% भी लॉस ना हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ, हमने अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करा, कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं। अब हम प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट है 90,000 और पार्टनर है ए, बी और सी, रेशियो है 3:2:5। अब इस 90,000 को इस रेशियो में बांटना है, कैसे बांटा जाएगा देखो, बड़ा ही सिंपल है। ए का शेयर प्रॉफिट, ए शेयर प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड कर दो, 3, 2, 5 और 5, 10, यानी 5/10, सॉरी पहले का है ना ए का, 3/10, तो आंसर इज 0 से 0 कैंसिल 27,000। सेम ऐसे अगर मैं बी का निकालू, बी का तो 90,000, बी का रेशियो क्या है 2, 2/10, आंसर इज 18,000। समझ में आ रहा है ना आपको? सेम ऐसे मैं सी का निकालू तो कैसे निकालेंगे, 90,000 प्रॉफिट, सी का रेशियो क्या है 5 × 5/10, तो ये आंसर इज 45,000। तो बेसिक बेसिक सी चीजें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ बच्चों को मैं भी आता भी हो, लेकिन मुझे बेसिक से करवाना है, आपको एक एक चीज डिटेल में लेके चलना है, क्योंकि ट्वेल्थ में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो अनदर क्वेश्चन मैं देता हूं, समझ में आइए। अगर ये रेशियो मैं रखता 1:1:1 तो बताओ कैसे बांटते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होता, ए का प्रॉफिट होता 90,000, अब फिर से हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़िए, तो डिवाइडेड बाय 3, और ए का क्या है 1, तो आंसर इज 30 से काटोगे 30,000। बी का क्या आएगा बताओ, बी का भी 90,000 × 1/3 30,000, सी का क्या होगा, इसका भी 90,000 × 1/3 30,000, क्लियर? तो ये रहेगा हमारा किसका, इस तरीके से प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और देखिए चलिए, अगर मान लीजिए क्या ये पॉइंट में भी आ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने बोला 4, 3 और 1, ये दे दिया मैंने आपको, अब बांटिए आप इसको, तो पॉइंट में जब आएगा ना तो पॉइंट के बाद के डिजिट आपने छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए ये आता है आपका 90,000 रुपए, ठीक है ना, इसको बांटना सिखा रहा हूं मैं, क्या सिखा रहा हूं, प्रॉफिट बांटना, बेसिक चीज, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बाद में। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 3 और 1, 8, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 90,000 × 4, तो ये तो पॉइंट में नहीं आया, खैर मैं इसको कर देता हूं सपोज करो 2 और 1 कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4/, बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी बताओ, 4/4 और 2 और 1 क्या आएगा 7, अब डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो निकल के आया 51
0.5 है, तो मैं 0.5 जो आ रहा है ना हमारा, ये इसको इग्नोर करूंगा, ये ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से 90,000 को बांटना है, अगले का क्या होगा, 2/7, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 7 इनटू में 2, इसका आंसर जो निकल के आया 25714। अब 4.2 है, मैंने 4 पे ही छोड़ दिया, ठीक है। अगले का भी करते हैं आप, 90,000 इनटू में 1/7, 90,000 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया हमारा 12857। अब सब तीनों को जोड़ेंगे आप तो इक्वल नहीं आएगा, और हो सकता है इक्वल आ भी जाए, 1 रुपए का फर्क रह जाता है कई बार। चलिए जोड़ते हैं इसको, 51428 25714 12857, तो 1 रुपए का फर्क रह गया। तो आप 1 रुपए किस में एडजस्ट करेंगे, आपकी इच्छा है या तो 1 रुपए इसको बढ़ा दें, या इसको बढ़ा दें, या इसको बढ़ा दें, वो आपकी इच्छा है कि आप किसी को भी बढ़ा सकते हैं। ये लो, कंफ्यूज ना होना, मैंने अलग अलग कर दिया पार्टनर के कैलकुलेशन को, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट बांटना। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो कैसे बांटेंगे, तो आज हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट किया है, तो हम जल्दबाजी में कोई कुछ नहीं करना, आराम से करेंगे, तसल्ली से। क्लासेस की टाइमिंग जो होगी वो मैं डेली आपको, यूट्यूब चैनल हमारा है vastudy.com, वेबसाइट है हमारा, मैं वेबसाइट अगर बताऊँ आपको तो आपको वैसे वीडियो में मिल भी जाएगा, .com, यहाँ रजिस्टर करना है आपने। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप YouTube पे भी देख सकते हो, किस पे, वास्प स्टडी पे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट जुड़ता है तो आप मुझे जरूर से इस नंबर पे, जैसे ही आप वैसे रजिस्टर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मुझे इस नंबर पे जरूर इंटीमेट करे कि सर हमने न्यू है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, मुंबई, आपको ये बोलना है कि आपका स्टेट, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिव मिलता रहेगा कि मेरी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सभी को बताइए कि इस तरीके से क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुकी है, हमें घर बैठ के अपना एजुकेशन का लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम आएंगे कुछ और कैलकुलेशन पार्ट पे, कि पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। मेन टॉपिक यही रहेगा। अगर मैं फंडामेंटल में हम मैं बात करूं, क्या रहेगा हमारा, कि हम किस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, किस तरीके से गारंटी होगा, किस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम एक एक करके एक फ्लो चार्ट पहले बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको 7 o'clock जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो मिल जाएगा, तो थैंक यू सो मच। और प्रॉपर तरीके से नोट करके और असाइनमेंट भी मैं एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और मैं आगे की डिटेल आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें आगे करना है इस पे एक्टिविटी, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए जिसको भी लगता है, नहीं तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं।